मेरे साथ में दिग्विजय चौटाला हैं जो कि यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय जी, ये बताइए कि इस बार आपके खिलाफ किस तरीके की चुनौती जो है वो दूसरी पार्टियों के लोग पेश कर रहे हैं? कोई भी चुनाव हो उसमें चुनौती रहती है, सभी का अधिकार है चुनाव लड़ने का, सब राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। और नवाड़ी हमारा गृह क्षेत्र है, हमारा अपना परिवार है, लगभग रिश्तेदारियाँ हैं, लगभग वो अपनापन। और मेरे पिताजी यहाँ से रहे, मेरी माता जी रही, कांग्रेस ने षड्यंत्र कर करके उनको जेल में डाला तो मेरी माता जी ने बागडोर को संभाला। पिछली बार सर्वजीत मसीता चुनाव लड़े, तब भी बहुत अच्छे वोट आए और अब स्थिति बहुत अच्छी है। चुनाव में 25 दिन शेष है तो लंबी दौड़ लगानी है निश्चित तौर पर। प्रजातांत्रिक प्रणाली में घर के और खून के रिश्ते घर तक सीमित होते हैं, राजनीतिक रिश्ते जो है वो जनता से बनाए जाते हैं। मैं तो हर मेरे पिताजी से जो छोटे हैं और मुझसे बड़े हैं उनको मैं चाचा मानता हूँ, और मेरे पिताजी से बड़े हैं मैं उनको ताऊ मानता हूँ, जो मेरे दादा समान है मैं उनको दादा मानता हूँ। मैं पूरे हरियाणा को, समूचे हरियाणा को चौधरी देवीलाल का हरियाणा मानता हूँ, और समूचा हरियाणा और उसमें बसने वाला एक एक जन जो है वो मेरे ही परिवार का सदस्य है। सर, एक आखिरी सवाल, क्या चुनाव जीतने के बाद बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? मैं तो इस बात का पहले भी पक्षधर नहीं था और अपनी पार्टी के इंटरनली मैं समय समय पर इस मांग को उठाता रहा कि हमें बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए। बीजेपी के साथ रहने से हमें बहुत नुकसान हुआ। किसान आंदोलन के समय पर मैंने खुलेआम इस बात के लिए कहा भी था, उस समय कुछ वो कहते हैं कि छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, आवाज़ इतनी ऊपर नहीं जा पाई। बड़े भाई दुष्यंत नहीं माने क्या? नहीं माने नहीं, हालात और परिस्थितियों के हिसाब से उनने मेजोरिटी से फैसला लिया, वो उनका फैसला और पार्टी का फैसला एक आदमी नहीं लेता, सब लोग मिलजुल करके। भारतीय जनता पार्टी की एक सोच रही है ईटिंग मीटिंग एंड चीटिंग, चीटिंग तो खाने पर ज़्यादा जोर, मीटिंग करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, दिलासा देते रहेंगे और फिर बैक स्टैबिंग करेंगे। और वो बैक स्टैबिंग का खामियाजा हमें ही नहीं भुगतना पड़ा, सब लोगों को भुगतना पड़ा, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो और अन्य दल हो, जो जो इनके साथ रहे, ईटिंग मीटिंग एंड देन चीटिंग। लेकिन सर, 5 साल बाद ये ख्याल आता है कि ईटिंग मीटिंग और चीटिंग? मैं तो सदैव ही कहता था, बार बार कहता रहा, इस बात को उठाता रहा, और ये जनता ने, पार्टी के हाईकमान ने तय करना है, पार्टी ने फैसला करना है। अब भी मुझे लगता है ये जनमानस की आवाज़ है, तो खैर पार्टी के अंदर भी ये आवाज़ खुले तौर पर आ रही है कि किसी भी स्तर पर जितने भी प्रत्याशी हमारे जीत करके आएंगे, जो बहुत संख्या में होंगे मुझे उम्मीद है, वो किसी भी स्तर पर बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। सर, आपसे बात करने के लिए पाँच हज़ार तो ये हैं दिग्विजय चौटाला, जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो शुरू से बीजेपी के साथ जेजेपी के जाने का विरोध करते रहे हैं, लेकिन पार्टी में लोग नहीं माने और उनको बीजेपी के साथ जाना पड़ा। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या सियासी हालात होते हैं। सिरसा से रोहित विश्वकर्मा और राजेंद्र संधू के साथ रविश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।